10 शेयर्स में आपका स्वागत है। सोमवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 25,250 अंक के ऊपर बंद हुआ। लार्सन एंड टुब्रो ने रिन्यूएबल ईपीसी बिजनेस का नया वर्टिकल बनाया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने ऑल्टो के टेन और एस्प्रेसो के वेरिएंट की कीमतों में संशोधन किया है। एयरटेल ने मैक्सिमाइजिंग अपलिंक परफॉर्मेंस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। टाटा पावर लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयरों को डीलिस्ट करेगा। अदानी पोर्ट्स ने अगस्त 24 में कार्गो वॉल्यूम में 5% की वृद्धि दर्ज की। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी को रेलटेल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑयल इंडिया और इंद्रधनुष गैस ग्रिड ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहयोग किया है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज यात्रा ऑनलाइन को बेचेगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 7 गीगावाट खावड़ा आईबीए पावर ट्रांसमिशन परियोजना शुरू की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने बेंगलुरु में एनएचएआई रोड प्रोजेक्ट के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना पूरी कर ली है। एनसीसी को अगस्त 2024 में 1,236 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जीटीपीएल हैथवे ने जीटीपीएल बस ऐप लॉन्च किया है। आईनॉक्स वाइंड लिमिटेड की सहायक कंपनी रिस्को ग्लोबल वाइंड सर्विसेज ने प्रमुख निवेशकों को सिंगल डिजिट इक्विटी स्टेक बेचकर 350 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स को जमशेदपुर में एल्यूमिनियम फोर्जिंग सुविधा स्थापित करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने शिवा चिन्नासामी को कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।